Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder of TopGrade.pk and your biology teacher. Now, we are going to start off our discussion with a very important subsection, that is translocation of organic solutes. First of all, I would like to ask a question from you. Here we have got the statement, movement of organic solutes through phloem is always from. A option is source to sink. B option is sink to source, C option is leaves to roots, and D option is roots to leaves. जो organic solutes की movement है phloem के जरिए वो किस direction में हो रही है, source से sink की direction में या sink से source की direction में, leaves से roots की direction में या roots से leaves की direction में. And the best response to this question is alpha, that is source to sink. इसकी reasoning को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द बिग पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलोकेशन क्या है, एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलोकेशन की प्लांट्स में ज़रूरत क्यों पेश आती है, एंड थर्डली विल टॉक अबाउट हाउ ट्रांसलोकेशन इज कैरीड आउट इन प्लांट्स. प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन का जो फंक्शन है या सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड का जो फंक्शन है, ये कैसे कैरी आउट किया जाता है. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद दिस सबसेक्शन विल टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि जस्ट एक असेसरी टॉपिक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. यू सीन हियर, ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, राइट. ये ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम सोर्स टू द सिंक. सोर्स ऑफ सिंक के बारे में आगे चल के हम जरा डिटेल से बात करते हैं. यू सीन हियर, फ्लोएम एक्चुअली इट ट्रांसपोर्ट्स द सैप, दैट इज वाटर एंड द शुगर, जो कि सुक्रोज की शक्ल में है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सो जो प्लांट्स का वेस्कुलर टिश्यू है उसमें हमें पता है कि वी हैव गॉट द जाइलम एंड वी हैव गॉट द फ्लोएम. जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, यू कैन से. सो खास तौर पर आप कह लें कि जो फूड की ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के अंदर, उसका फंक्शन किसने कैरी आउट करना है, फ्लोएम ने कैरी आउट करना है. और मैकेनिस्टिकली किस तरीके से सोर्स से सिंक की तरफ वाटर ऑर्गेनिक सोल्यूट्स ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इसको एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है, इसका नाम हम देते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी. प्रेशर फ्लो थ्योरी को आगे चल के हम काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे, विल स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस कॉन्सेप्चुअल थ्योरी. ऑलराइट, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट जनरेट करना चाहूंगा कि लाइक इफ एग्जाम आस्क्ड फ्रॉम यू के हमारे ब्लड में, यानी कि ह्यूमन ब्लड में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ ब्लड शुगर. लेकिन अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोइंग में, प्लांट्स में फ्लोइंग में कौन सी शुगर होती है, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सुक्रोज. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ग्लूकोज आंसर कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग. So once again, I want you to keep this fact in your mind. Glucose is blood sugar and sucrose is phloem sugar. So अब हम बात करते हैं source और sink की. जैसे कि हमने translocation की definition को discuss किया, उसमें हमने ये पढ़ा कि ये transport है organic solutes की from source to the sink. अब सवाल ये पैदा होता है कि source क्या चीज़ है और sink क्या चीज़ है in the plant, right? So once again, plants में हमेशा ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट कैरी आउट की जानी है सोर्स से सिंक की तरफ, राइट. तो यही ट्रांसलोकेशन है. अब सोर्स क्या है और सिंक क्या है प्लांट के स्ट्रक्चर में, लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सोर्स. सोर्स इज अ साइट वेयर शुगर स्टार्ट्स इट्स जर्नी. प्लांट में ये वो साइट है जहां पे शुगर ने अपने जर्नी को स्टार्ट करना है, राइट. सो अब ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर इट्स प्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड. सो शुगर अपनी जर्नी को, अपने ट्रेवलिंग जर्नी को कहाँ से स्टार्ट कर सकती है, ये दो ही साइट्स हो सकती हैं. एक वो साइट जहाँ पे शुगर प्रोड्यूस की जा रही है वाया फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली इट्स लीव्स, और दूसरी वो साइट जहाँ पे शुगर स्टोर की जा रही है, राइट. तो इसके लिए जो साइट है, ऑफकोर्स फ्रूट इज अ कॉमन साइट, इवन रूट्स दे आर ऑल्सो कॉमन साइट ऑफ द स्टोरेज ऑफ द शुगर, राइट. सो सोर्स हम कह सकते हैं
कि सोर्स बेसिकली वो साइट होती है प्लांट के अंदर जहाँ से शुगर ने अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। ये उसकी प्रोडक्शन साइट भी हो सकती है और उसकी स्टोरेज साइट भी हो सकती है। सो प्रोडक्शन साइट और स्टोरेज साइट ये दोनों ऑफकोर्स डिफरेंट कंडीशंस में ये सोर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। सीन हियर, अगर तो प्लांट एक्टिवली फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, ऑफकोर्स प्रोडक्शन साइट जो है अब ये सोर्स है, राइट। सो प्रोडक्शन साइट से फूड ट्रेवल करेगी और जाएगी टुवर्ड्स द स्टोरेज साइट, और स्टोरेज साइट में फूड स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब प्लांट खुद से एक्टिवली फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहा, स्टिल इसके सारे के सारे सेल्स को फूड चाहिए, ऑफकोर्स शुगर चाहिए, तो इस सिचुएशन में चूंकि प्लांट खुद तो अपनी नई शुगर तो बना नहीं रहा, तो अब होगा क्या, जो स्टोर्ड शुगर है, राइट, जो स्टोरेज साइट से मौजूद है, अब उस स्टोर्ड शुगर को मोबिलाइज किया जाएगा। अब वही स्टोरेज साइट जो कि पहले सिंक थी, अब वो बन गई सोर्स, क्योंकि नाउ इट्स प्रोवाइडिंग ग्लूकोज टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो अब वहां से शुगर ऑफ कोर्स स्टोरेज साइट से ट्रेवल करके पूरे के पूरे प्लांट के सेल्स तक जाएगी। सो हमने ये देखा कि जो स्टोरेज साइट है ये डिफरेंट कंडीशंस में ये सोर्स और सिंक के तौर पे काम कर सकती है। एनीवेज, सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू समराइज, सोर्स इज अ साइट वेयर शुगर स्टार्ट्स इट्स जर्नी, दैट इज वेयर इट इज वेदर, दैट्स वन पॉइंट जहां से ये प्रोड्यूस हो रही है, एंड सेकेंडली जहां पे ये स्टोर हो रही है। अब सिंक क्या है, सिंक इज वेयर शुगर एंड्स अप, जहां पे शुगर एंड अप होगी या शुगर का जर्नी जहां पे खत्म होना है प्लांट के अंदर, हम बोलते हैं कि वो सिंक है, राइट। सो सिंक कौन कौन सी जगह हो सकती है, सो अब ये कह सकते हैं कि सिंक वो साइट है जहां पे शुगर नीडेड है, या वो साइट है जहां पे शुगर स्टोर हो रही है, राइट। जैसे हमने पहले बात की कि जो स्टोरेज साइट्स हैं दे कैन एक्ट एज सोर्स एंड सिंक अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जो स्टोरेज साइट्स हैं ये अंडर डिफरेंट कंडीशंस ये सोर्स और सिंक दोनों के तौर पे काम कर सकते हैं। लाइक अगर फोटोसिंथेसिस एक्सेस में प्लांट कैरी आउट कर रहा है तो स्टोरेज साइट्स सिंक के तौर पे काम करेंगे, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर रहा तो स्टोरेज साइट से शुगर मोबिलाइज होगी और बाकी प्लांट पार्ट्स तक जाएगी। अब स्टोरेज साइट्स जो है अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ कोर्स नाउ दे आर एक्टिंग एज द सोर्स। आई होप दैट यू हैव ग्रैब्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। सो अब दोबारा हम डेफिनेशन को जरा देखते हैं, उससे आपके माइंड में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बेसिकली है क्या प्लांट्स के अंदर। यू सीन हियर, इट्स अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सो सोर्स जो भी हो, प्रोडक्शन साइट है या स्टोरेज साइट है, वहां से सिंक तक, सिंक जो भी हो, भले वो साइड है जहाँ पे शुगर नीडेड है या जहाँ पे शुगर स्टोर हो रही है, वट्स एवर। सो बेसिकली जो स्टोरेज साइट कह लें कि सोर्स से सिंक तक जो ट्रांसपोर्ट है फूड की, उसको हम बोलते हैं दिस इज द ट्रांसलोकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई ट्रांसलोकेशन इज नीडेड, ट्रांसलोकेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। यू सीन हियर कि प्लांट, हमें पता है कि जस्ट लाइक ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स। प्लांट्स जो है ये सेल्स से बने होते हैं, राइट। और हर सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है, फूड चाहिए होती है। प्लांट के सारे पार्ट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक नेसेसरीली नहीं होते, लाइक यू हैव गॉट द रूट्स, दे डोंट मेक देयर ओन फूड। सो बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट मेक देयर ओन फूड, राइट। तो और इवन जो वो प्लांट्स के वो पार्ट्स जो कि अपनी फूड बना भी रहे होते हैं, वहाँ पे जो कि फूड स्टोर नहीं हो रही होती, समटाइम्स उन्हें भी फूड बाहर से कहीं से किसी ना किसी वे से लेनी पड़ती है। सो बेसिकली अब ये कह लें कि ये अब इस फोटोग्राफ के ऊपर मैं आपको जरा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रांसलोकेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ कि यहाँ पे हमारे पास ये रूट्स हैं, राइट। सो हियर वी हैव गॉट द फूड स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रूट, here we have got the fruit, here we have got the stem, here we have got the leaves. अब यहाँ पे अब ये देखें कि sugar बनाता कौन है, ये mostly जो leaves हैं या green parts of the plants हैं ये sugar बना रहे हैं। So most of the times the leaves or green plant parts they act as source, right? जबकि अब sugar use कहाँ कहाँ पे हो रही है, देखें, एक तो shoots और young leaves की growth के लिए sugar use होनी है। सेकेंडली शुगर जो है ये फ्रूट में भी जाके यूज भी हो सकती है और वहां जाके स्टोर भी हो सकती है। इसी तरीके से रूट में जाके जो फूड है वो यूज भी हो सकती है उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन में और स्टोर भी हो सकती है। तो अब देखें कि एक वो साइट है जहां पे शुगर बन रही है या जहां पे शुगर प्रेजेंट है, और दूसरी वो साइट्स हैं जहां पे शुगर की नीड है, सोर्स और सिंक है।
सो सोर्स से सिंक तक बेसिकली फूड को अगर हमने कैरी आउट करना है, वो हैव टू हैव सम मैकेनिज्म, वी हैव टू हैव सम वे. तो ये ओवरऑल, तो अब देखें कि अगर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, राइट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो प्लांट पार्ट्स जहाँ पे फूड नीडेड होगी वहाँ पे नहीं पहुँचेगी एंड दे वुड डाई. सो हमें ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमें इसलिए ज़रूरत पेश आती है ताकि फूड जहाँ पे भी प्लांट में प्रेजेंट है वहाँ से उसको उठा के जिस जिस जगह पे फूड की ज़रूरत है वहाँ पे उसको पहुँचाया जा सके, ताकि प्लांट को विल्टिंग से बचाया जा सके. Now, I would like to ask a question before proceeding further in my discussion. So, statement hai hamare paas, movement of the organic solutes through flowing from source to sink is due to. Organic solutes ki jo movement hai, flowing ke zariye, source se sink ki taraf, ye kis wajah se hogi? A option is difference in hydrostatic pressure, B option is root pressure, C option is transpiration pull, and D option is diffusion. And the best response to this question is alpha, that is difference in hydrostatic pressure. किस तरह से hydrostatic pressure का जो difference है, ये source से sink की तरफ translocation of food को carry out करेगा, right? उसको assist करेगा, उसको help out करेगा, you can say. तो इस चीज को हम discuss करेंगे अभी आगे चल के हम pressure flow theory के अंदर. Don't join any traditional academy. National MD CAD की तैयारी के लिए traditional academy join ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडी कैट. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रेपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं अकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1,00,000 तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे. Rely on your own textbooks and talkgrade.pk only. मैंने over last decade बेतहाशा successful और failing students के interviews किए हैं. जो students का most common cause of failure है वो ये है कि वो scattered resources use करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से at same time तैयारी कर रहे होते हैं. So ये उनको उनका जो overall focus है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज spoil कर देती है. हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और topgrade के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने का की जरूरत ना हो. सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स, आप जिस भी प्रोविंस से हैं, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें topgrade में मौजूद है. और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं. ऑलराइट, सो अभी तक हमने बात की कि ट्रांसलोकेशन क्या है और फिर इस ट्रांसलोकेशन की जरूरत क्यों पेश आती है. अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिस्टिकली हाउ द ट्रांसलोकेशन इज कैरीड आउट. So here you can have a look at this computerized photograph, right? So इस computerized photograph के जरिए मैं ये जो pressure flow theory है इसको explain करूँगा. On the right hand side of this slide, I have got a computerized photograph ताकि आपको मैं pictorial memory दे सकूँ. और left hand side पे मैंने पूरी की पूरी एक tracing draw कर दी है जिसकी मदद से आप इस photograph को explain कर सकते हैं. So हम एक एक point को पढ़ते जाते हैं और साथ साथ photograph के साथ relate करके उसको समझते जाते हैं. First of all, we have got the point, the source cell manufactures the sucrose. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे overall इस photograph की तरफ मैं आपको एक ही दफा orient कर देता हूँ. Like here we have got this source cell जो कि मे बी रूट है और here we have got this companion cell जो कि of course phloem का part है. Here we have got this phloem, उसके जो sieve tube cell है phloem का, and phloem के साथ ही here we have got the xylem. अब उसके बाद फिर देखें कि ये phloem का, ये of course ये phloem एक और area आ गया है, मे बी sink का area आ गया है. Down here graphically sink का area represent किया गया है. इसमें देखें यहाँ पे अगेन वी हैव गॉट द कंपेनियन सेल एंड हियर वी हैव गॉट द सिंक सेल जो कि मे बी रूट का सेल है या फ्रूट का सेल है एंड सो ऑन.
राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जा रहा है, सोर्स सेल इट मैन्युफैक्चर्स द सुक्रोज, जो सोर्स सेल है यानी कि जो लीव सेल है ये सुक्रोज को मैन्युफैक्चर करेगा। डायरेक्टली तो सुक्रोज मैन्युफैक्चर नहीं होती, हमें पता है कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो शुगर बनती है वो ट्राइओज है, ये 3B। तो अल्टीमेटली उस ट्राइओज को कन्वर्ट करते हैं पहले हेक्सोज में, दैट इज द ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज को बाद में कन्वर्ट किया जाता है मेटाबॉलिकली इनटू द सुक्रोज, राइट, ताकि इसको ट्रेवल करवाया जा सके। सो ट्रांसपोर्ट जो है उसकी शुगर की वो होनी है सुक्रोज की शक्ल में। एनीवेज, सो सोर्स सेल के अंदर सम हाउ वी हैव प्रोड्यूस द सुक्रोज, सोर्स सेल में सुक्रोज है ये मैन्युफैक्चर हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब इसके सिंथेसिस होने के बाद अब क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज इनटू नियर बाई कंपेनियन सेल। सो जो सुक्रोज है इसकी देखिए ये रेड एरो से रिप्रेजेंट की गई है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सुक्रोज की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी इनटू द नियर बाई कंपेनियन सेल जो कि ऑफकोर्स फ्लोएम का सेल है, एंड वहां से इट वुड डिफ्यूज वाया प्लाज्मोडेस्माटा इनटू द सेव ट्यूब। अब जो सुक्रोज है जो कि लीफ के सेल में या सोर्स के सेल में बनी थी वाया फोटोसिंथेसिस, उसकी कह लें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई इनटू द कंपेनियन सेल ऑफ द फ्लोएम, और वहां से वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए डिफ्यूज करके वो जो सुक्रोज है ये आ गई किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर आ गई। ऑलराइट, अब क्या होगा, अब देखें कि फ्लोएम के अंदर जब सुक्रोज आ गई है, ऑफ कोर्स सुक्रोज वाटर में सॉल्युबल है, ये ऐसी शुगर जो वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब ये है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगी, सो ये ऑस्मोटिक पुल जनरेट करेगी, ऑफ कोर्स इट्स अ सॉल्यूट, तो आपको पता है कि वाटर ऑलवेज फॉलोज द सॉल्यूट्स, ये ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वहां भी मैंने इसको इन डिटेल डिस्कस किया था कि हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वाटर सॉल्यूट्स को फॉलो करता है। तो यहां पे हमारे पास जब सॉल्यूट्स हैं लाइक यहां पे मेजर सॉल्यूट ऑफ कोर्स सुक्रोज है, तो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर या सीव ट्यूब के अंदर काफी हाई हो गई है। अब इसने क्या करना है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज ने इसने सराउंडिंग जाइलम से वाटर को इसने पुल करना है, राइट। सो वाटर फ्रॉम द नियर बाय जाइलम इट वुड एंटर द सीव ट्यूब वाया ऑस्मोसिस, राइट। अब नियर बाय जाइलम से देखें, ये ब्लू एरो से शो किया गया है कि नियर बाय जाइलम से जो वाटर है ये एंटर हो जाएगा इनटू द सीव ट्यूब वाया द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस, याद रखिएगा दिस इज ऑस्मोसिस है। ऑलराइट, तो अब वाटर के उसमें एंटर होने की वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स यू हैव गॉट द सॉल्यूट्स देयर, यू हैव गॉट द वाटर देयर, उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इस एरिया का वो इंक्रीज हो जाएगा। सो सादा सी बात ये है कि इस सारी एक्टिविटी के नतीजे में जो जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, जो फ्लोएम है जो कि सोर्स सेल के नजदीक है वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हाई हो गया है। अब अल्टीमेटली अब हम डिस्कस करते हैं सिंक तक कि वहां पे क्या हैपनिंग्स हो रही है, यू सीन हियर, बाद में फिर हम एंड पे देखेंगे कि किस तरह से सोर्स से सिंक तक ट्रेवलिंग हो रही है। अब देखिए सिंक के लेवल पे ये हो रहा है कि सुक्रोज ओवरऑल इट एंटर्स इनटू द नियर बाय कंपेनियन सेल बाय डिफ्यूजन वाया प्लाज्मोडेस्माटा। देखें जैसे यहां पे ये फोर्थ पॉइंट शो किया गया है कि सुक्रोज फ्लोएम के सीव ट्यूब एलिमेंट से निकल के वो चली जाती है इनटू द कंपेनियन सेल वाया द प्लाज्मोडेस्माटा, राइट। सो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जब सुक्रोज ने कंपेनियन सेल तक चले जाना है तो अब इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स फ्लोइंग के अंदर जो कि वो फ्लोइंग जो कि सिंक के सेल के नजदीक है वहां पे सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सो जब सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स कम होगी तो वहां पे जो ओवरऑल कह लें कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी रिड्यूस होगा, ऑस्मोटिक पुल रिड्यूस होगी ओवरऑल, तो अब होगा क्या, अब वाटर इट वुड एक्चुअली लीव द फ्लोएम एंड एंटर इनटू द जाइलम अगेन, राइट। सो वाटर जो है इट वुड लीव द सीव ट्यूब बाय ऑस्मोसिस और ये जाइलम में एंटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर लीव कर रहा है फ्लोएम को, इस वजह से फ्लोएम में वो फ्लोएम का सेगमेंट जो कि सिंक के सेल के नजदीक है वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिमार्केबली रिड्यूस हो जाएगा। सो हमने देखा कि सोर्स सेल के नजदीक जो फ्लोएम का सीव ट्यूब एलिमेंट है वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो हाई हो गया, और जो सिंक है उसके करीब जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, राइट। तो अब आपको पता है कि यू सीन हियर कि वाटर जो है विद अलोंग विद द डिसॉल्वड शुगर अलोंग विद द डिसॉल्वड फूड, ये इस डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा, जिसको इस डायग्राम में पॉइंट नंबर 6 से शो किया गया है, राइट। सो दिस इज हाउ इट्स ऑल वर्किंग। सो वंस अगेन इसको मैं आपको समराइज कर देता हूं पूरी की पूरी प्रेशर फ्लो थ्योरी को। सबसे पहले सोर्स के सेल के अंदर सुक्रोज ने बनना है वाया फोटोसिंथेसिस,
वहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसकी होनी है इनटू द कंपेनियन सेल ऑफ द फ्लोएम, वहां से कंपेनियन सेल से उसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट होनी है या डिफ्यूजन होनी है वाया प्लाज्मोडेस्माटा इनटू द फ्लोएम, और फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस शुगर, उस वजह से जो वाटर है वो जाइलम से फ्लोएम के अंदर मूव करेगा। सो इस तरीके से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उस फ्लोएम में जो कि सोर्स सेल के नजदीक है वो हाई हो गया। अब सिंक के पास क्या होगा, जो शुगर है ये वाया डिफ्यूजन यू कैन से कि ये एंटर होगी इनटू द कंपेनियन सेल, फ्लोएम से निकल के इसने फ्लोएम के सीव ट्यूब से निकल के इसने कंपेनियन सेल में चले जाना है, वहां से ऑफ कोर्स इट वुड मेक इट्स वे टू द सिंक अल्टीमेटली, और इसकी वजह से क्या होगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया इन द सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम व्हिच इज नियर द सिंक, तो उसके नतीजे में क्या होगा वाटर वुड लीव द फ्लोएम एंड एंटर इनटू द जाइलम, जिस वजह से वो फ्लोएम जो कि सिंक के सेल के नजदीक है वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिमार्केबली रिड्यूस हो गया। अब हमने अचीव क्या किया, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम व्हिच इज नियर द सोर्स एंड लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम व्हिच इज नियर द सिंक। अब ये जो डिफरेंस इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इट वुड कॉज द वाटर अलॉन्ग विद द डिसॉल्व्ड शुगर और द फूड टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, सो दिस इज हाउ द फूड इज बीइंग ट्रांसलोकेटेड इन द प्लांट्स। ऑलराइट, सो अब हम लास्ट सेगमेंट अपने सबसेक्शन का डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। लेट मी शो यू अ कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ, इस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ में हेयर वी हैव गॉट जाइलम एंड हेयर वी हैव गॉट फ्लोएम। जो ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम उनको, या मेजर जो डिफरेंसेस हैं उनको इस फोटोग्राफ में शो किया गया है। यू सीन हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाइलम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसके बरस जो फ्लोएम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, और उसके बाद फिर जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होती है जस्ट वन वे ट्रांसपोर्ट है, राइट, इट्स यूनिडायरेक्शनल ओनली, जबकि फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है ये टू वे हो सकती है, इट कैन बी रादर इट इज बाई डायरेक्शनल, यू नो के डिपेंडिंग अपॉन के सोर्स ऑफ सिंक क्या क्या है, ये बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम जैसे भी डिफरेंट, ये दोनों डायरेक्शन में इसके अंदर जो ट्रैवलिंग है उसकी फूड और उसकी वाटर की हो सकती है। उसके बाद फिर आप देखें कि जाइलम में जो सेल्स के दरमियान में कोई एंड वॉल्व नहीं है, जबकि फ्लोएम में सेल्स के दरमियान में आपको एंड वॉल्व जो हैं वो नजर आएंगे। ऑलराइट, और जो जाइलम की वॉल्व होती हैं वो थिक वॉल्व होती हैं विच आर स्टिफ्ट विद द लिग्नन, बेसिकली जाइलम जो है ये एक डेड टिश्यू है, जाइलम इज अ डेड टिश्यू, क्योंकि जो फ्लोएम है फ्लोएम लिविंग टिश्यू है। ये मेजर से डिफरेंसेस से कुछ फोटोग्राफ के अंदर मैंने आपको दिखाए हैं, अब हम इन डिफरेंसेस को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल इन दिस रिकॉर्ड, लेट मी ओरियंट यू टूवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट फीचर, इन द सेकेंड कॉलम वी हैव गॉट द जाइलम, इन द थर्ड कॉलम वी हैव गॉट फ्लोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम और फ्लोएम ये किस चीज से बने, जाइलम इज कंप्राइज ऑफ डेड सेल्स, जबकि जो फ्लोएम है ये लिविंग सेल्स से बना ये वाला टिश्यू। उसके बाद फिर सेल वॉल की थिकनेस की अगर हम बात करें तो जाइलम की जो सेल वॉल है, जैसे अभी हमने फोटोग्राफ में देखा जाइलम के जो डेड सेल्स हैं उनकी जो वॉल है वो प्रेटी थिक है, जबकि जो फ्लोएम के सेल्स की वॉल है दैट इज रिलेटिवली थिन। अब सेल वॉल के अंदर जो मटीरियल है वो जाइलम की सेल वॉल में लिग्निन होता है जिसकी वजह से वो बहुत रिजिड होती है, जबकि फ्लोइंग की सेल वॉल में जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज द सेलुलोज। उसके बाद अगर हम इनकी परमेबिलिटी की बात करें तो जो जाइलम है ये इम्परमिएबल है, इसकी वॉल ओवरऑल ये इम्परमिएबल है, जबकि जो फ्लोएम है ये परमिएबल है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म जाइलम चूंकि डेड सेल्स हैं तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं होगा, जबकि फ्लोएम चूंकि ये लिविंग सेल्स हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव द साइटोप्लाज्म, ऑफ कोर्स द प्रोटोप्लाज्म एज़ वेल। उसके बाद भी अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जाइलम ने वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, जबकि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब उसके बाद फिर
जो वाटर एंड मिनरल्स हैं इनकी जो कैरेज है वो किस तरफ होती है, बेसिकली रूट से जो अपर पार्ट्स हैं स्पेशली जो लीव्स की तरफ इसकी जो वाटर है उसको कैरी आउट किया कैरी किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जबकि जो फ्लोएम है इसके अलॉन्ग फूड को जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं और जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ कैरी किया जा रहा होता है। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है इन द जाइलम बेसिकली ये अपवर्ड है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जबकि फ्लोएम इसमें जैसे हमने ऑलरेडी डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो सकती है फूड की अप एंड डाउन, सो दोनों डायरेक्शन में ये फूड जो है वो कैरी की जा सकती है इन द फ्लोएम। उसके बाद फिर किन फॉर्म में या किन सेल्स की शक्ल में ये प्रेजेंट है, तो जाइलम यू सीन हियर, जाइलम बेसिकली दो शक्लों में प्रेजेंट होता है ये वाला टिश्यू। एक वी हैव गॉट द सिंपल वेसल्स स्ट्रेट अवे, जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके दरमियान में वॉल्स डिजॉल्व हो जाती हैं, लाइक ये वॉल्स जो हैं सेल्स के दरमियान ये डिजॉल्व हो जाती हैं और स्ट्रेट अवे वेसल्स की शक्ल ले लेता है जाइलम। और दूसरे नंबर पे वी हैव गॉट द ट्रकीट सेल्स, राइट, तो सेल वॉल्स के अंदर से गुजरते हुए वाटर जो है वो ट्रेवल करता है, सो ट्रकीट्स और वेसल्स दोनों शक्लों में जो जाइलम है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर या जो कह लेंगे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रकीट्स होते हैं, जो ज्यादा एडवांस प्लांट्स हैं उनके अंदर ज्यादातर वेसल्स होती हैं। जबकि जो फ्लोएम है फ्लोएम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक हमारे पास हैं जी सीव ट्यूब सेल्स एंड सेकेंडली वी हैव गॉट द कंपेनियन सेल्स, राइट, तो ये दो तरह के सेल से मिलने से बेसिकली जो है वो फ्लोएम टिश्यू बना हुआ होता है। ऑलराइट, सो इस फोटोग्राफ में ट्रकीड्स और वेसल्स को दिखाया गया, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये एक ट्रकीड है, हियर यू गॉट अनदर ट्रकीड, दिस इज अनदर वन, तो जो वाटर है ये ट्रकीड टू ट्रकीड इसके अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, राइट। तो इसके बरक्स अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये वेसल है, तो वेसल में क्या होता है बेसिकली जो टेक्निकली वेसल्स बनती कैसे हैं, जो जाइलम के सेल्स उनके दरमियान जो सेल वॉल्स के डिजॉल्व होने से वेसल्स बनती हैं, तो ये वाइडर सिलेंड्रिकल होती हैं और परफोरेशन प्लेट्स पे ये ज्वाइन हुई भी होती हैं, तो यहाँ पे बॉटम टू टॉप जो है वो कह लें कि हमारे पास ये वाटर जो इसके अंदर ट्रेवल कर रहा होगा। यू सीन हियर ट्रकीड लॉन्गर हैं, इनके थिनर और टेपर एंड्स हैं और बहुत सारे नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स के अंदर ओवरऑल कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रकीड्स होते हैं, राइट। सो प्राइमेटिव प्लांट्स के अंदर रिलेटिवली ट्रकीड्स होते हैं और जो एडवांस प्लांट्स हैं उनके अंदर मोर कॉमनली यू गेट द वेसल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन विद मी, थैंक यू वेरी मच। जैसे ही आप अपनी topgrid.pk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है, सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है, थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टेटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहां से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहां से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस पे ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बार मैं आपको अहम बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। Anyways, so यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक।
सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मेबी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन रॉन्ग 30 रॉन्ग क्वेश्चंस का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर आप गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडीकैट, एकेयू, एमडीकैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है. ओवरऑल आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास क्वेश्चन वो आ जाएंगे. ऑफकोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने दो सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ, या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन है. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह, यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं. जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. Alright. So, इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रियल नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है, जहां से आप किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक दो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं. इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं. इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है. एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है. इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडीकैट का स्केड्यूल मौजूद है. आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं. से अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है ऑफकोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे, अगर आपके एग्जाम में दो हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन. सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि
आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई है, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट द topgrade.bk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपने डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से topgrade को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।